क्वेश्चन नंबर 25। इन अ सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट द रेजोनेंस ऑक्यूर्स व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द ब्रिजेस इज 20 सेंटीमीटर एंड ट्यूनिंग फोर्क ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 300 हर्ट्स एक्साइट द वाइब्रेशन। अगर हम फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्स करें तो रेजोनेंस लेंथ कितनी होगी वो आपको बताना है। देखो फ्रीक्वेंसी और लेंथ में रिलेशन अगर देखें हम तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है एन नंबर ऑफ लूप्स डिवाइडेड बाय 12 और रूट टी अपॉन में मास पॉइंट लेंथ। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ का जो प्रोडक्ट होगा वो रहेगा कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी तो चेंज कर रहे हैं और हम देखेंगे रेजोनेंस लेंथ किस हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं एफ वन एल वन बराबर होगा एफ टू एल टू के। ये फ्रीक्वेंसी फर्स्ट केस में कितनी है 300, उस टाइम लेंथ कितनी थी 20 सेंटीमीटर, फिर फ्रीक्वेंसी होगी 400 और लेंथ हमें निकालनी है। तो एल टू आ जाएगा 300 इंटू में 20 डिवाइड में 400, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल। अब ये हो जाएगा आपका 5, तो 3 इंटू 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर हमारी न्यू लेंथ आ जाएगी। ऑप्शन बी सही होगा।